राजस्थान में भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष मदन राठौड़ के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दर्द छलक कर सामने आ गया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि राजनीति का दूसरा नाम उतार चढ़ाव है और हर एक को इससे गुजरना पड़ता है। इस मौके पर उन्होंने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व को आभार देना चाहती हूं कि मदन राठौड़ जैसे ईमानदार कार्यकर्ताओं को भाजपा के कमान सौंपने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आप सभी ने प्रधानमंत्री का मंत्र सुना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्होंने कहा कि वो सभी को साथ लेकर चलने का काम करेंगे। ये बेहद ही मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से करने की न केवल कोशिश करेंगे बल्कि जमीन पर लाने का भी काम करेंगे। उन्होंने सीपी जोशी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने इस मुश्किल काम को कई सालों तक निभाया और अपने काम का निर्वहन सफलतापूर्वक किया है। उन्होंने कहा कि मदन जी ने उनके साथ काम किया है, वो उनकी कार्यशैली को जानती भी हैं और समझती भी हैं। वो धैर्यवान और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। वो राज्यसभा के सदस्य ही नहीं बल्कि सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान में भाजपा के अध्यक्ष का पद अपने धैर्य के कारण ही उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि पद और मद स्थायी नहीं है, यदि काम अच्छा करते हो तो लोग याद करते हैं। आज के दौर में ये होता रहता है। उन्होंने कहा कि आज ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पद का मद नहीं करेंगे और आप लोगों को साथ लेकर चलने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे व्यक्तियों को पार्टी की जरूरत है, इसी वजह से उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मैं ध्यान में सबसे बड़ा पद जनता की चाहत और जनता का विश्वास है। ये ऐसा पद है कि आपसे कोई नहीं छीन सकता। यदि आप जनता और कार्यकर्ता के साथ चलोगे तो ये पद बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, मुझे कार्यकर्ताओं के साथ रहने और काम करने का मौका मिला है। आज इन सभी कार्यकर्ताओं की वजह से भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। इसका कारण है कि जो अटल जी समझाया करते थे, कार्यकर्ता वो हैं जो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है। ये इनके अंदर नहीं आया है, इन्होंने पूरे जीवन खपा दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा कार्यकर्ता धन से नहीं, मन से काम करता है। आंधी में, तूफान में विचारधारा की मशाल को लेकर आगे बढ़ता जाता है। इस तरह के भाजपा कार्यकर्ता पर गर्व है। उन्हें भी एक विशाल परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि ये हमारा परिवार है, इसके आगे और पीछे किसी को नहीं जानते। हमारे मन में खटका भी आता है तो उसे पी लेते हैं। हम मानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी हमारी पार्टी है।